नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। वक्त हो चला है दिल्ली स्पेशल का। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सपना, उसकी मां, उसके भाई भाभी और बहन को भी आरोपी बनाकर मुकदमे में नामजद किया है। मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। सपना के खिलाफ शिकायत करने वाली कंपनी ने आरोप लगाया कि काम मांगने आई सपना चौधरी ने न सिर्फ एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा, बल्कि एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से कंपनी के क्लाइंट्स भी तोड़े, जिसके बाद PR कंपनी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में सपना और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। वहीं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले में जांच कर रही है। सपना और अन्य लोगों के खिलाफ IPC की धारा 420, 120 बी, 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने एक PR कंपनी से स्टेज शो और सिंगिंग के एग्रीमेंट किए थे। सपना ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले भारी भरकम रकम भी ली, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस नहीं दी। आरोपों के मुताबिक सपना ने लोन के नाम पर भी कंपनी से एडवांस लिया था, ना तो बाद में उन्होंने पैसा लौटाया और ना ही किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस दिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले में सपना चौधरी को जल्द नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।